हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेडियोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीजें करते रहो यार। सो गाइज, आपको बैकग्राउंड देखे पता चल ही गया होगा कि यस, मैं फिर से हूँ वाईसी डिजाइन कस्टमाइजेशन की यहाँ पे योगी सर के वर्कशॉप पे। एंड एक और जो है बाइक रिस्टोर हुआ है आज। ये टाइम पे RX 100 नहीं है, ये टाइम पे RXZ ही है, बट दैट इज RXZ। जैसे पता चलता तो आपको दिमाग में आ ही जाता है कि यस, ये थोड़ा बहुत फेयरिंग एंड ऑल। सो उसके हम लोग गाड़ी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड हमारे दोस्त ही है वो जो योगी सर के यहाँ पे जो है काम करते हैं, उनकी बाइक रिस्टोर हुई है पूरी इस तरह से। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर है, मैं उसको देख रहा हूँ, आपको भी दिखा दो गाइस। एंड यामा RXZ जो पूरी तरह से रिस्टोर हुआ है। आपको बीरोल पसंद आया होगा। सो काफी प्यारा लग रहा है गाड़ी। एंड ये कलर ब्लू, इसके ऊपर कुछ स्टिकरिंग किए हुए जो यामा के जो क्या बोलते ग्राफिक्स एंड ऑल लगे हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड ब्लू इज माय फेवरेट कलर, आपको पता है। जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूंगा कि यस, ब्लू इज माय फेवरेट कलर। एंड जिनको पता है कि ब्लू मेरा क्यों फेवरेट है, वो कमेंट करके बता सकते हैं क्यों। एंड हम लोग थोड़ा गाड़ी के बारे में जरा बात करते हैं गाइस। हम लोग सामने की तरफ आएंगे। सो यहां पे जो ब्यूटीफुल जो है हेडलाइट दिया गया, जो नॉर्मल जो RX 100 रहता है उसके ऊपर जो है राउंड हेडलाइट आता था, बट ये उसका अपग्रेडेड वर्जन में कह सकता वो टाइम पे जब भी आया था, दैट इज़ RXZ। सो जी था तभी जो है ये जो एडिशन आया, इसमें आप जो देख सकते हो हेडलाइट के ऊपर जो स्पेशल टाइप का एक फेयरिंग लगाया है। यहाँ पे आपको एक वाइजर आता है, यहाँ पे यामा का ब्रांडिंग। एंड थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी जो यामा का ब्रांडिंग दिया गया है। एंड वो टाइम पे जो है साइड लाइट्स अलग आते थे। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका अलग लुक आ रहा है क्योंकि इसके हिसाब से। एंड इसका फाइबर का जो मडगार्ड है, एंड अगर मैं डिस्क के बारे में बता करूँ, दैट इज जो है डिस्क पूरी तरह से जो है काफ़ी अच्छे से रखा है। इसको भी बोलते ना कि नया बनाया गया है, गोल्डन कलर का थोड़ा कलर दिया गया जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मेन चीज़ गाइस, इसमें जो लगाया गया है दैट इज़ द एल्यूमिनियम रिम। ये जो आप रिम देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम रिम है। ये जो है लाइटेस्ट होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण जो इसके स्पोक्स है उसके कारण। बट ये जो एल्यूमिनियम रिम है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल रिम्स होता है, उससे जो है ये काफ़ी लाइटर होता है। सो इसके लिए इसमें ये है। एंड हम लोग थोड़ा ये साइड में आते हैं गाइस इंजन की तरफ। सो RXZ का ये सेम 98cc का इंजन है। एंड इसमें भी जो है इसको पूरी तरह से सिल्वर रखा गया है। एंड आप देखोगे ये दोनों साइड पे जो उसके पैनल्स है उसको सिल्वर कलर किया है। एंड ओल्ड टाइप का जो इसका जो लीवर्स है वही रखा गया है। मोस्टली पहले ये आता, अभी जो है आने लग गए सिंगल लीवर्स, जो हम लोग सिंगल जो अप डाउन करते हैं। बट इसमें आपको जिसको जिसको पता है कि 1 डाउन एंड 4 अप किस तरह से इसमें किया जाता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आगे मैं आता हूँ तो यहाँ पे जो है गार्ड दिया है जो क्रोम, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे हॉर्न लगाया हुआ है, एंड यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है। एंड थोड़ा सा इंजन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो इंजन गार्ड इसको कह सकते हैं गाइस, कि हम लोग बाइक चलाते रहते तो मट्टी वगैरह उड़ता है, स्टोन्स वगैरह उड़ते हैं, पत्थर लग ना जाए इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड एक अलग इफेक्ट भी दे रहा है, अच्छा एक अलग ही डिज़ाइन के हिसाब से है, बट इसको एज अ इंजन गाड़ी के हिसाब से यूज़ किया जाता है। एंड थोड़ा हम लोग पीछे की तरफ आते हैं जो है उसका ओरिजिनल जो चेंज पॉकेट का जो कवर है वैसा का वैसा ही है,
इसमें यही अगर आपको चेन क्लीनिंग करना होगा सो हम लोग को जो इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा एंड क्लीन करना पड़ेगा। सो उसका जो ओरिजिनल है वही रखा गया है एंड उसको भी अच्छे से सिल्वर कलर किया हुआ है, नए जो है फुट पेडल्स डाले हुए हैं एंड उसका ओरिजिनल जो है स्टॉक शॉक अब्जॉर्ब है जिसके ऊपर एक कलर है, ये तो ओरिजिनल स्टील का है, आवाज़ से ही आप समझ सकते हो। एंड यहाँ पे जो है उसका ओरिजिनल रेस स्टैंड है, मतलब डबल स्टैंड जिसको कहते हैं वो। एंड पीछे की तरफ आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे ड्रम ब्रेक है एंड प्लस अगेन यहाँ पे पीछे 17 इंच के जो है एल्यूमिनियम के रिम्स है जो लाइट वेट होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्लस जो है इसके स्पोक्स जो स्पोक लुक इसको काफ़ी अच्छा दे रहा है। मैक अगर रहता तो मैक व्हील जो होता है वो रहता तो इतना मेरे हिसाब से इतना खास नहीं लगता, बट स्पोक व्हील है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं गाइस, इसका जो आप पीछे हेडलाइट देखोगे, सॉरी हम पीछे की तरफ आते हैं सो यहाँ पे अगर उसको पीछे की तरफ देखोगे तो इसका टेल लाइट थोड़ा अलग है जो RX में आता है, नॉर्मल आपको बाहर की तरफ है, बट इसका ये पूरा वन सेट है पूरा जो अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो है छोटा सा मडगार्ड एंड ये प्यारा सा नंबर प्लेट। हम लोग ये साइड में आते हैं जो है इसके जो रेयर शॉकअप जिस तरह से मैंने बताया ओरिजिनल ही है, इसको पूरी तरह से रिस्टोर किया गया एंड इसको अभी अच्छा रखा गया। एंड मोस्टली जब RX-Z जब आता था तो उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम आता था वो गोल्डन कलर में आता था, बट यहाँ पे जो है आदिल भाई को पसंद है ब्लैक, तो इसके लिए उन्होंने जो ब्लैक रखा है ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और वो भी ब्लैक रहे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग थोड़ा ये साइड में आते हो, जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा, अगर आप जब भी कोई RX-100 आप देखते हो अगर आपको ये चीज़ दिखा देता है दैट इज़ 5-speed, अगर इतना जो चीज़ अगर आपको नहीं दिखा देता तो दैट्स अ 4-speed। एंड अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये Yamaha RX-Z 5-speed है उसके हिसाब से रखा गया है। एंड यहाँ पे जो आपके ब्रेक पेडल्स एंड यहाँ पे फुट पेग्स। सो गाइज हम लोग अभी थोड़ा इसके स्टीयरिंग पे जाते हैं जो काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगता है, जो मोस्टली अब RX-100 वगैरह देखो उसमें पहले सिर्फ एक ही मीटर आता था दैट इज स्पीडोमीटर, बट इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर आता है एंड प्लस यहाँ पे कितने किलोमीटर्स हो गए वो एंड प्लस यहाँ पे जो है दैट इज़ रियली मतलब बोलते ना कि कुछ अलग ही आता था दैट इज़ दी RPM, पहले नहीं आता था बट RX-Z में आने लग गया दैट इज़ दी RPM मीटर। एंड यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है जैसे कि हाई बीम न्यूट्रल एंड टर्न, सो जैसे मैं ऑन करता हूँ सो काफ़ी पावरफुल उसका बैटरी, इसके कारण ये जो है ग्लो हो रहा है। एंड इसमें दिखा रहा है कि ऑयलिंग एंड सर्विसिंग रिक्वायर्ड का जो लाइट होता है वो, बट ये जैसे हम लोग ऑन करते अभी चले जाता है एंड दिस इज़ न्यूट्रल इंडिकेटर। एंड जैसे मैं इंडिकेटर्स ऑन करता हूँ सो ये ब्लिंक करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स भी ऑन हो चुके हैं, इसके वजह से ब्लिंक कर रहा है लेफ्ट एंड राइट अगर मैं ऑन करूँ तो। एंड जैसे मैं जब भी हम लोग गाड़ी चालू करेंगे एंड हाई बीम ऑन करेंगे तभी वो हाई बीम दिखा देगा। इसका हम लोग एग्जॉस्ट नोड भी सुनेंगे गाइस एंड हैंडल बार के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं सो यहाँ पे उसके जो है मिरर्स लगाया हुआ है दैट इज़ RX-Z के ही मिरर्स है जो काफ़ी बड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगा ये। एंड हैंडल बार की तरफ में अगर यहाँ पर तो यहाँ पर जो है क्लच दिया हुआ है, काफ़ी स्मूथ क्लच रखा हुआ है। एंड यहाँ पर जो है पास अपर डिपर एंड हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए जो बटन दिया गया है दैट इज़ ऑन एंड हाई बीम। एंड यहाँ पे जो है इंडिकेटर स्विच एंड यहाँ पे पावरफुल हॉर्न लगाया हुआ है आदिल भाई ने। एंड हम लोग थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं सो यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगाया है, इसके लिए जो है यहाँ पे जो ऑयल का ड्रम है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है ब्रेक एंड यहाँ पे जो है नॉर्मल उसका जो राइट बाय वायर जो है उसका एक्सीलेटर है वो है। सो गाइस हम लोग इसके हेडलाइट के बारे में जानते हैं एंड प्लस इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे। मैंने इसको ऑन करके मैं एक राउंड भी मार गया, काफ़ी अच्छा है, मतलब बोलते ना कि एकदम जो हाई बीट नहीं है इसका, जो बीट है मैं आपको सुनाऊंगा अभी एंड मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। दिस इज़ ऑन एंड अगर मैं इसका ये ऑन कर दूं एंड लेट्स गो फॉर काफ़ी प्यारा है। हम लोग हेडलाइट ऑन कर दे गाइस, मतलब एकदम सॉफ्ट है, इतना भी ये नहीं है। सो इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी प्यारा है गाइस, एकदम लाउड भी नहीं है। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है RPM मीटर लगाया हुआ है, सो आप देखोगे RPM मीटर वर्क कर रहा है। मैंने इसको चला के भी देखा, काफ़ी स्मूथ है गाइस, आदिल भाई ने उसको काफ़ी अच्छे से रिस्टोर करके रखा। तो आदिल भाई से मैंने एक्चुअली ऑलरेडी बात कर चुका हूँ सो काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है,
सो आदिल भाई अगर आपने ये वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कब से आपके पास है, कितने साल हो गए, सारे कमेंट्स कर देना। एंड गाइज दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज एंड डू सब्सक्राइब अगर आप नए हो, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपका जो कुछ भी व्यूज है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मेरा नाम है रेडियोग्राफर तुषार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीज़ें करते रहो यार। थैंक यू।